ऑल राइट फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू व्यूअर्स। आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 40 बाई 30 फीट, या फिर आप कह सकते हैं इसे 30 बाई 40 फीट में एक खूबसूरत वेरी ब्यूटीफुल विथ सिट आउट के साथ 2 BHK घर का जो है पूरा प्लान दिखा रहे हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा यार, और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ऑसम हाउस प्लान्स, और हमारा मेन चैनल लाइफ इज ऑसम सिविल को आप एक बार जरूर आप चेक कर दीजिएगा। वहां पर जो है आपको कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। लेट अस सी, जैसे कि मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, ये जो प्लान आप देख रहे हैं ये है यार 30 बाय 40। इसका पूरा फुल व्यू दिखाता हूँ आपको मैं। यहां पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका पार्किंग एरिया 16 फीट 9 इंच बाई 8 फीट। इधर देखो, पार्किंग में जस्ट आप नॉर्मली बाइक वो सब रख सकते हैं। उसके अलावा जो है ये आपका आता है मेन डोर, मेन डोर से आप एंटर करते हैं। फिर उसके बाद ये आपका पूरा एक बड़ा सा हॉल है। हॉल का साइज देखो, अप्रोक्सीमेट आपको 10 फीट विड्थ में मिल रहा है, 21 फीट 3 इंच लेंथ में मिल रहा है। ये सामने की तरफ टीवी रखने के लिए जगह मिल जाता है आपको यहाँ पे। और ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये सिटिंग पोजीशन हो जाएगा। उसके साथ आप चाहे तो यहाँ पर एक छोटा सा लाइक हैंड वॉश वो सब भी बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड। हैंड वॉश बनाने से क्या है, आपको एक टॉयलेट रूम अटैच टॉयलेट एंड बाथ जो रहता है वो छोटा हो जाएगा। एंड इधर से जो है आप एंटर करते हैं, इधर आपका आता है एक बेडरूम नंबर 1, 10 फीट बाय 13 फीट 3 इंच। इधर आ रहा है आपका अटैच टॉयलेट एंड बाथ। सो बेडरूम नंबर 1 जो है काफ़ी सफिशियंट है, और शेल्व्स बनाना चाहिए उसके अंदर। अलमारी कहाँ पे बनाना, ये वाला पोर्शन पे जो है आप लोग अलमारी बना सकते हैं। ओके अब इधर आते हैं किचन की ओर। ये आपका किचन बन जाएगा 10 बाय 7 फुट 9 इंच। हर एक ऑफसेट की तरफ क्या है, 1.5 फुट का जगह जो है 1 फीट 6 इंच का जो है ऑफसेट एरिया दिया हुआ है। और उसके साथ यहाँ पर आपका अटैच टॉयलेट एंड बाथ, मतलब ये वाला बेडरूम है ना, इस वाले बेडरूम नंबर 2 को एंटर होना बोले तो यहाँ से एंटर करना पड़ता है आपको। ये वाला पोर्शन से बेडरूम नंबर 2 जो आपको मिल रहा है 9 फीट 9 इंच बाय 12 फीट में, जो सफिशियंट है। उसके साथ इधर भी शेल्व्स चाहिए, तो उन शेल्व्स के लिए क्या है, सेपरेट इधर जगह छोड़ी गई है, येल्लो मार्क दिख रहा है ना, वहाँ पर आप शेल्व्स बना सकते हैं। और सिटआउट का एंट्रेंस यहाँ से, इधर से जो आपका सिटआउट आ जाएगा, और एक एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है ना दरवाजा दी गई है ये वाले पोर्शन पर, वो ओपनिंग रहेगा। तो इस तरह का एक सिंपल ब्यूटीफुल जो है आपको प्लान दिखाया है, और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड इसे कंस्ट्रक्ट करने में आपको अप्रोक्सीमेट 20 लाख रुपीज़ चाहिए, और एक बेहतरीन बेस्ट ब्यूटीफुल घर बनाना है तो दैट्स इट। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा। एंड टोटल कॉस्ट ऑफ 20 लाख। कॉलम्स की साइज बात करें तो मैं लास्ट में अंत में आपको थोड़ा सा टाइम लूँगा, आपकी फायदे के लिए है, मेरा कुछ नहीं। अंत में देखो, इधर एक कॉलम आ जाएगा यहाँ पर, इधर है फर्स्ट सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 4 5 6, ये आता आपका 7 8 9, यहाँ पर देखो ये वाला 10, ये आता है आपका 11, और ये 12 13, एंड यहाँ पे जो है आप डायरेक्ट एक कॉलम ले लो, 14 नंबर ऑफ कॉलम्स इस घर के लिए आ जाएगा। इस तरह के प्लान बनाना है तो दैट्स इट। थैंक यू।